चढ़ चुका है फाइनली ये गाड़ी हमारी ऊपर से प्रॉपर टाइट करा जा रही है इस गाड़ी को आराम से क्योंकि पे डैमेज ना है। बाकी मेरे तो डर लग रहा है कि गिर ना जाए। ये है ओरिजिनल जिक्सर की क्लच प्लेट है, ठीक है। और भाई मतलब अभी मेरी गाड़ी का चेन सेट चेंज हो रहा है प्रॉपर। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। फिर से फ्रेश वीडियो की शुरुआत करें। थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा मेरी गाड़ी में लग चुके हैं पूरे, खराब हो चुकी है मेरी गाड़ी। उसमें क्लच प्लेट वगैरह बहुत चीज़ खराब हुई है। तो अभी मैं सीधा जा रहा हूँ सर्विस सेंटर जाने के लिए। भाई जा रहा हूँ मैं, गर्मी इतनी हो रही है भाई, देखो साथ मेरा भाई भी आ रहा है। और अभी मैं सीधा जा रहा हूँ सीआर पार्क, वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हो रही है फिलहाल। अभी फिलहाल मैं जंगल पे हूँ और यहाँ से पूरा गर्मी में जा रहा हूँ, वहाँ से पापा आएंगे लेने। तड़कती धूप में जंगल से क्रॉस करते हुए जा रहा हूँ मैं सीआर पार्क में, जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क्ड हो रखी है। अपने इस वाले घर पर करके नहीं रखा मैंने, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा इशू हो रहा था, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैंने वहीं पर इसको ट्रांसफ़र करके रख दिया। अब सीधा मैं आपको वहीं जाके मिलता हूँ। फिर हमारी रिकवरी गाड़ी रिकवरी करने आ गई हमें। और भाई आ गई गाड़ी, कैसा लग रहा है भाई? नहीं इतनी दूर नहीं ले गया ये पीछे ही लाएगा। चढ़ चुका है फाइनली ये गाड़ी हमारी ऊपर। अब इस सीआर पार्क से मैंने टो करवा लिया इसे मैंने। बाकी इसे प्रॉपर टाइट करा जा रही है इस गाड़ी को आराम से, क्योंकि पे डैमेज ना है। बाकी मेरे तो डर लग रहा है कि गिर विर ना जाए पूरी, बट प्रॉपर करके बांधा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा लग रहा है प्रॉपर करके बांधा है कोने की तरफ से, बाकी गिरे ना आई होप सो। बाकी अभी कुछ ऐसी लग रही है। फाइनली निकल चुके हैं सीआर पार्क से, सीधा जा रहे हैं हम ओखला की तरफ यार। अब क्यों भाई, गाड़ी मांग रही है काम और चल भी नहीं रही ट्रिप के बाद। यार ये हमारे अंकल, आपका नाम क्या अंकल? नाम क्या? आमीन। आमीन अंकल जी हमें छोड़ के आएंगे ओखला तक। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, बेचारा बच्चा पीछे बैठा हुआ है हमारे गाड़ी बाइक पकड़ के। भाई को पानी वानी ऑफर किया हमने। बाकी अब सीधा आपको लोकेशन में मिलती, क्योंकि गर्मी में भाई व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल तो है। बाकी अभी ट्रक पे मैं पहली बार बैठा हूँ, अभी पहली बार बैठे ट्रक में बैठा हुआ तू पहले? सही है मेरा उत्तराखंड में। भाई साहब सुबह का टाइम है, ठंडी हवा। ये ट्रक नहीं था, वो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं। अच्छा भाई, ये तो बड़े ट्रक में, मैं तो पहली बार छोटे ट्रक में बैठ रहा हूँ, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा पहली बार। A few moments later, हम आ चुके थे सुजुकी शॉप पे और यहाँ पे हम अभी जूस पी रहे हैं, बिकॉज भाई इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना भाई, इसकी हद नहीं है, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। और अभी हम वर्कशॉप में आ चुके हैं, अब आपको अंदर जाके दिखाता हूँ मेरी गाड़ी का क्या काम शुरू होने वाला है। अभी लंच टाइम चल रहा है फिलहाल अंदर, ये वर्कशॉप में आके खड़ी हुई है, पता नहीं क्या हो गया इसके बाद चल ना रही है। बाकी ये रहा इनका वर्कशॉप फिलहाल, और अंदर जा रहे हैं, अभी लंच टाइम ही चल रहा है इनका, पता नहीं मैं यहाँ से लंच टाइम में क्यों आता हूँ। ओवरऑल मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काम सही हो जाएगा, बाकी देखते आगे। फाइनली हमारी गाड़ी यहाँ पे आके खुल चुकी है भाई, प्रॉपर काम शुरू होने वाला है इसके ऊपर। लग रहा है मेरे को चेन सेट भी चेंज करवाऊंगा फिर फिलहाल में। और मेरे को टॉप रैक का वो अभी तक मेरे घर पे रह गए, ये वाला जो ग्रैब रिल सी वो मैं कल ला के लगवा दूंगा इसमें। बाकी अभी भाई मेरी कर्मा अभी खड़ी हो रही है इसके ऊपर ऑलमोस्ट, और अभी काम चालू होते तब तक टाइम लैप्स करवा। और पता नहीं कैसा लाउंज है, इसी इनका सही से चल भी नहीं रहा, ये ऐसा कुछ लाउंज दिखने में, ये पता नहीं किस काम का है। हमने एक बैटरी खरीदी है दूसरे शॉप से, बिकॉज वहाँ पे एक्सपायर्ड की दे रहे थे, मेरे को एमरॉन की चाहिए थी, तो अब ये लेके वहाँ पे देके फिटिंग करवाते हैं इसकी भी। अब सुबह अभी फिलहाल मैं बैटरी लेके यहाँ पे दे चुका हूँ मैं, और अब काम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। मैं आपको जब तक सिनेमैटिक्स देख लो काम के प्रॉपर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कोई ढीलापन ना रहे कि यार यहाँ पे ये ख़राब है वहाँ पे वो ख़राब है एंड ऑल, तो इसलिए प्रॉपर शूट करूँगा सारा। तो भाई ये देखो नया लग डल चुका है इसमें अभी, बाकी धीरे धीरे लग रहा है प्रॉपर काम हो रहा है, एक नंबर काम हो रहा है अभी फिलहाल। बाकी एंड रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा जरूर इस सर्विस स्टेशन का। ओवरऑल लाइक सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारा डन है, और तो थोड़ा सा और बाकी है जो कि कल होगा, अब हमारा हाफ आज हो चुका है, हाफ कल होगा। बाकी अभी कुछ गाड़ी ऐसी दिख रही है दिखने में, अभी तक तो काम तो फाइनली हमारा हुआ है, थोड़ा सा हो चुका है, अब बाकी का कल करेंगे, क्योंकि अभी बज के कह रहा हूँ 6 बज गए तो सबका ऑफ हो चुका है, तो कल काम होगा। अब इसको वीडियो को कल ही कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए तो The next day. So guys, ये डे टू हमारा सुजुकी वर्कशॉप में, और अभी भी हमारा काम जोरों शोरों से चल रहा है फिलहाल। फिलहाल अभी मेरी गाड़ी का चेन सेट चेंज हो रहा है, प्रॉपर सब कुछ चेंज हो रहा है, और मैं कल आया था, आज डे टू है, और काम अभी जोरों शोरों से, अभी काम शुरू भी कर दिया लोगों ने, दिखाता बाहर की तरफ आ चुका हूँ काम देखने के लिए क्या चल रहा है अभी फिलहाल। अभी फिलहाल चेन सेट चलेगा नया, ये रहा न्यू चेन, लग तो अच्छा रहा, पुराना वाला वो फेंका हुआ है वहाँ पे, ये रहा। अभी यहाँ पे चेन सेट डलने जा रहा है मेरा ब्रांड न्यू वाला,
यहाँ पे ऐसी फिटिंग होगी प्रॉपर करके। ये वाला तो ऐड हो चुका है हमारा, सही लग रहा है, नया नया सा लग रहा है। ये वाली देख लो एकदम नई, पुरानी, ये पुरानी वाली है, घिस गई है पूरी। तो गाइस फाइनली इन भैया ने भी हाथ लगा दिया, जो मैं पिछले दो दिन से कह रहा हूँ हाथ लगाओ मेरी गाड़ी को भी। अब ये कुछ चेक कर रहे हैं इस गाड़ी में प्रॉपरली। ये देखो पहली बार देखा मैंने कुछ ऐसा, एक नंबर, सही है का जो फ्यूल पंप है मेरी गाड़ी का, तो इससे अब मैं इस यहाँ से निकलवा रही, इस गाड़ी में न्यूली गाड़ी है ये जिक्सर है सर, तो मेरे को एक नंबर की बेकार गाड़ी लगती है ये वाली मॉडल, ये वाला मेरा वाला फिर भी एक नंबर है, ये तो मेरे को निकली लगती है। इसमें से निकाल रहे फ्यूल पम्प और इसमें ऐड करेंगे हम डायरेक्टली, तो देखते हैं इसका फ्यूल पम्प कैसे निकलता है पूरा। आपको डर रहा है यहाँ, ये सिर्फ मेन महंगी महंगी चीज़ें छू रहे हैं ये बंदे और कुछ नहीं। एक्सपेंस ये बिफोर और ये आफ्टर, ये ख़राब हो चुका है प्रॉपर तरीके से और ये नया डल रहा है, जो कि पता नहीं कंडीशन कैसी चलेगी गाड़ी की, फिर भगेगी ना गाड़ी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, फिर तो देखते हैं गाड़ी कैसे चलेगी। चकोर है HDS, कुछ सॉफ्टवेयर टाइप है सुजुकी का अपना, ये क्योंकि बताएगा क्या क्या दिक्कत है पूरा इसमें बता देता सारा। अच्छा तो गाइस अभी काम ऑलमोस्ट हो चुका है सारा, फ्यूल पंप लग चुका है मेन चीज़, अब थोड़ा बहुत और मेजर काम बाकी है, फिर अपनी गाड़ी गुट्टू को हो जाएगी चलने के लिए भर जगह, फिर इसकी ऑपरेशन और थोड़ी बहुत बाकी इसमें करवानी बाकी है, शायद मैं रिम्स वगैरह पे कुछ और मॉडिफिकेशन करूँ, टायर भी चेंज। सो गाइस इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, आप लोग देख लो रेडी हो चुकी है मेरी बाइक प्रॉपर, अब एक नंबर कंडीशन हो चुकी है, मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाया बिकॉज कुछ इशू आ गया था, तो अब मैं इस वीडियो को अब यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।